हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मंदाकिनी तालाब के पास। ये कुंभ राजा का ये एरिया है, यहाँ पे माउंट आबू में हम आए हैं। यहाँ पे माउंट आबू में आप सुंदर ऐसा नज़ारा देख सकते हैं, हर जगह एक सुंदर ऐसे नज़ारे हैं। वहाँ पे आप दूर एक ऊपर एक सुंदर ऐसा एक महल जैसा बना हुआ देख सकते हैं, उसके सामने ये तालाब है। प्राचीन काल में यहाँ पे राजे रजवाड़ों का ये स्थान माना जाता था और काफ़ी रौनक हुआ करती थी। यहाँ पे एक स्टोरी फेमस है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन भैंसों का एक चित्र, आप देख सकते हैं कि तीन भैंसों का यहाँ पे एक चित्र है। देवराज जी यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने यहाँ पे इन तीनों भैंसों को एक ही साथ मारा था। ये राक्षस थे ऐसे कहा जाता है उस ज़माने के। इन राक्षसों को तीनों को एक साथ राजा देवराज जी ने मारा था ऐसे कहा जाता है। हमें ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पे पुराने ज़माने के अवशेष यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में तालाब के कुआं भी आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। इस तालाब को भी एक सेंटर में कुआं है और उस कुएं में से पानी आज भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे आप इसका कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे कि वहाँ पे एक छोटा मंदिर भी आप देख सकते हैं, उस मंदिर की भी स्थापना वहाँ पे की गई थी कुछ समय में। यहाँ पे रौनक हुआ करती थी यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि कुछ बॉर्डर्स बनाई गई है, वहाँ पे बैठने के लिए स्थान है, वो बहुत ही पुराना है, कम से कम 300 साल पुराना कहा जाता है, 300 ईयर्स पहले का वो जो कंस्ट्रक्शन है वो कहा जाता है। वहाँ पे स्टेप्स दी गई है, वहाँ पे बहुत ही प्राचीन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरा माउंट आबू का एरिया है, काफ़ी ठंडी है आज यहाँ पे, लगभग 12 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे आज है और काफ़ी ठंडक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत दूर तक आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते रहेंगे। काफ़ी सारे माउंट है यहाँ पे, काफ़ी अलग ये एरिया है। इस पहाड़ी के ऊपर ये तालाब बना गया है, उस तालाब में हम काफ़ी अच्छी तरीके से नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप आते हैं ऐसे ही नए नए नज़ारे देखने के लिए, सो आप ज़रूर आइए इस तरफ, और ये वास्तु का एक उत्तम नज़ारा है यहाँ पे, और आप एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।